विभिन्न साथियों, उज्जैन के टावर घंटाघर से लाइव चल रहा है। ये भीम आर्मी के जाबाज शेरो द्वारा आज अम्बेडकर प्रतिमा को तोड़ी गई थी, उसके विरोध में जनसैलाब उभरा है और टावर घंटाघर पर जनसैलाब इकट्ठा हुआ। यहाँ से प्रमुख मार्ग से होते हुए कोठी पैलेस जाकर काफिला पूरा मध्य प्रदेश वाला जो भी साथी जुड़े जो भी साथी जुड़ रहे हैं शेयर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। देख सकते हैं मध्य प्रदेश प्रदेश उपाध्यक्ष बहुजन शेर जोरदार शेयर करें साथियों। तब तक नहीं हटा गया है, हमें देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि जब तक पूरी प्रशासन पल पल में पहुंच रही पता चाहते थे कि 5 फीट जगह में दे दी जाए, लेकिन हम शेयर करें साथियों जो भी जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर करें। जो भी साथी जुड़े शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारा हमारी बहुजनों की आवाज़ पूरे देश में गूंज सके। प्रदेश अध्यक्ष दत्तू मोड़े जी भी पधार चुके हैं हमारे साथ में बीच में। हम लोग यहाँ से किसी तरह देखेंगे प्रस्थान करेंगे और क्या करेंगे प्रस्थान करेंगे और सभी को समझदारी से लेना है। ये दत्तू मोड़े जी नीचे नीली साथी लेना रिमोट डाली के पीछे कहाँ पीछे जो भी साथी जोड़ रहे हैं वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ये बाबा साहब का सम्मान है, बाबा साहब का अपमान हुआ है।
सुल्तान लिखा है, सुल्तान किसान हम लोग काम करते हैं, आप लोग मजबूत करना को उद्यम जी बनने पर एकदम नवा सुखी बन जाएंगे। साथी जुड़ रहे वीडियो को शेयर कर रहे ज्यादा से ज्यादा। नहीं सहेंगे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे कि बाबा साहब हम उधर से आएंगे तो आपकी प्रतिमा वहां पर लगा के आज तब तक यहाँ पर आने वाले नहीं हम लोग। लेकिन अभी तक इन लोगों ने कोई व्यवस्था नहीं कही। सरासा ये भारतीय जनता की ओर का अपमान है और ये अपमान अब सहन करने वाले नहीं है। जो भी साथी जुड़े हैं शेयर करें वीडियो को। साथियों लगातार जुड़े रहें ताकि हमारे बीच मध्य प्रदेश भीम आर्मी
प्रदेश अध्यक्ष दत्तू मोड़े जी लगातार जुड़े रहें साथियों और शेयर करें, ज़्यादातर सारे ग्रुप्स में शेयर करें, आज जितने भी ग्रुप में हैं सारे ग्रुप में शेयर करें। सभी साथी शेयर करें वीडियो को लाइव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कैमरा से उन्होंने क्षतिग्रस्त करा है, इसके लिए
आएगी बनी लाइव चलते हुए धर्मेंद्र अम्बेडकर के बाद फोन लगाऊं से कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करें। जय भीम साथियों जय भीम साथियों, देखो यहाँ पे उज्जैन में प्रतिमा बाबा अम्बेडकर की यहाँ पर लाइव चलते हुए धर्मेंद्र खुश साथी बात को सुन नहीं रहा है, वो पास में आए और ताकि बात को सुने। हम सब एक है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो सोचो कि मैं भी आपके पास में खड़ा हूँ। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में भीम आर्मी का सैलाब आप देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश प्रवक्ता तीनों मौजूद है और प्रदेश उपाध्यक्ष दुरेश सिंह जी मौजूद हैं और हमारे रविदास समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं और डी ए विस के राम सोलंकी भी मौजूद है। पूरे देखिए जन सैलाब काफिला कितना बड़ा है, देख लीजिए हजारों लोग, हजारों की भीड़ में, हजारों हजारों की भीड़ में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। हमारी युवा शक्ति पहुंची है, अभी युवा शक्ति मध्य प्रदेश के उज्जैन टावर पर ये काफिला जोरों शोरों से चल रहा है। जैसे अम्बेडकर की प्रतिमा को खंडित किया गया था उसी के विरोध में आज ये काफिला निकला गया है। देख लीजिए आप, जो भोजन से टकराएगा वो मिट्टी में चूर चूर हो जाएगा। Yeah!
Yeah!
सैलाब उज्जैन टावर से निकल चुका है। कोटी महल जहां पर बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया गया था, असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ा गया था, उसी के विरोध में भीम आर्मी के द्वारा जन सैलाब और तमाम सामाजिक संगठनों द्वारा यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश प्रभारी अगुवाई करते हुए प्रदेश प्रभारी भाई सुनील लस्ते जी अगुवाई करते हुए और ये नीला परचम पूरे उज्जैन जिले में फहराते हुए जय भीम आर्मी। अरे एक आदमी चलाएगा ना, अरे हमारे और भी बहुत सारा काम करना साथियों हम यहाँ से अब रैली के रूप में वोटिंग के लिए निकल रहे हैं। काफिला निकल गया है काफिला निकल चुका है भीम आर्मी का। हम आगे आपको अपडेट देते रहेंगे, जैसे तैसे कुछ नया होगा। जय भीम आर्मी, जय संविधान, बाबा साहब मर रहे, जय काशीराम।